पहले की तरह नहीं है। ईवीएम मशीन के ऊपर भी और वीवीपैट के ऊपर जो है आज स्वीकार कर ली गई है याचिका और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है। ऐसे भी ईवीएम या इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ी पैनी नज़र है इस बार सुप्रीम कोर्ट की, इसलिए वैसा नहीं होगा। जो 400 पार की जो बात कर रहे हैं हमारे मित्रगण, मैं कह सकता हूँ बहुत कोशिश करेंगे और बहुत अच्छा भाग्य सौभाग्य होगा उनका, तो शायद 150-200 सीट लेकर आ जाए। पटना साहिब में एक बार फिर से रविशंकर प्रसाद पर भरोसा जो है बीजेपी ने जताया है, क्या लगता है? लगातार जनता मांग कर रही थी ऋतुराज सिन्हा का राष्ट्रीय मंत्री परिवर्तन का, कुछ परिवर्तन की बातें भी आ रही थी। देखिए, मैं ऋतुराज जी को जानता हूँ, उनके पूरे परिवार को जानता हूँ। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया है, बहुत दमदार है, उसकी बहुत लोकप्रियता है, बहुत काम किया और काम करते हैं। जहाँ तक दूसरा नाम दिया आपने, मैं आपने देखा होगा, मैं कभी नाम नहीं लेता, ये है। और ऐसा मैं कहूँगा कि ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। आज मैं इन बातों पर रोशनी डालूँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुझसे आप TMC की कोई बात करते, हमसे आप ये ममता जी की कोई बात करते, हमारे आसनसोल या बंगोल की बात करते, पवन सिंह ने मैदान क्यों छोड़ दिया आपके? खामोश। लेकिन बिहारी बाबू से आप बंगाली बाबू बन गए, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। बिहारी बाबू भी हूँ, बंगाली बाबू भी हूँ, सही मानों में हिंदुस्तानी बाबू। पूरे देश में आपने देखा है चारों तरफ लोग प्यार करते हैं, समर्थन देते हैं, चारों तरफ अच्छे नतीजे आ रहे हैं, इसका माने है कि हिंदुस्तानी बाबू हूँ और सही मायने में। चाहेंगे क्या बिहार फिर से? क्यों? और मैं उन लोगों को छोड़ दूं जिन लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा किया, जिन लोगों ने EVM के मशीन के खिलवाड़ के बाद रिकॉर्ड मतों से हमें विजयी बनाया, जो हमारी ममता जी देश की सबसे कद्दावर, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया, मैं उनके साथ दगा करूं? संभव नहीं है। सिंह को जमानत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जमानत। बहुत बहुत वेलकम, बहुत अच्छा लगा। सत्यमेव जयते। आज जिस तरह से ED के पास जवाब नहीं था सवालों का, सुप्रीम कोर्ट में साफ जाहिर होता है, जैसा हम लोग कह रहे थे, साफ दिखता था कि संजय सिंह को फंसाया गया था, उनके ऊपर जिस तरह के मुकदमे डाले गए बगैर सबूत के, मैं समझता हूँ वैसा ही होगा। अब केजरीवाल के मामले में भी, जैन साहब के मामले में, सिसोदिया जी के मामले में ऐसा ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं कहा शुरू में, सत्यमेव जयते, ये सब विजयी होकर बेदाग होकर बाहर निकले। इंडिया गठबंधन से TMC अलग क्यों हो गई है? कौन इंडिया गठबंधन से? और वो अगर आए हैं तो ज़रूर आज देश के हालात या जिस पार्टी से बाहर आए उस पार्टी की हालत जो है आज उसको देखकर सोच समझकर ही आए होंगे, मुझे पूरा विश्वास। मोदी जी बिहार आ रहे हैं, चुनाव प्रचार का शुरुआत करने जा रहे हैं जमुई से। तो चुनाव अगर शुरू हो गया है तो लोग आएंगे ना, प्रचार तो करेंगे। मोदी जी आने का वो तो कहीं बाजार से खरीदे तो शायद संभव है। युवा है, बहुत बढ़िया है, वही बेटियाँ हैं ना जिन्होंने बाप के लिए, पिता के लिए इतना त्याग किया, बढ़िया किया, और लोगों का आने का पूरा अधिकार है। अब क्या होगा चुनाव में तो बिहार और सारण है कि पटना है, इस देश की जनता उसको डिसाइड करती। टक्कर दे पाएंगे रोहिणी जी को? ये आप उनसे पूछो ना, उनके पार्टी का मामला। अब तो मैं उस पार्टी में हूँ नहीं, अब तो मैं उस पार्टी में रहा नहीं।